नमस्कार, मैं अदिति और आप देख रहे हैं न्यूज नाउ। लेकर चलते हैं। बेगूसराय में अपराधियों ने होमगार्ड समेत तीन लोग को मारी गोली, तीनों गंभीर रूप से घायल। घटना नगर थाना क्षेत्र के भीड़भाड़ इलाका नगरपालिका चौक के समीप की है। बताया जा रहा है कि नगरपालिका में आज टेंडर का काम चल रहा था, उसी दरमियान अज्ञात अपराधियों ने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया, जिसमें होमगार्ड सहित तीन लोग को गोली लग गई। गोली की आवाज सुनते ही वहां पर काफी देर तक भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। बताते चलें कि बेगूसराय में लगातार अपराधियों का तांडव जारी है। इस अपराधी के सामने पुलिस कहीं न कहीं बेबस नजर आ रहा है। इसी के कारण आज भीड़भाड़ इलाके, जो कहा जा सकता है कि उस रास्ते से सैकड़ों की संख्या में लोग आते जाते रहते हैं, अगर भीड़भाड़ इलाके में अपराधियों इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे, कहीं न कहीं पुलिस पर एक बड़ा सवाल खड़ा नजर होते आ रहा है। घायल व्यक्ति में एक मुरारी, दूसरा बाबू साहिब व्यक्ति है। होमगार्ड के अभी इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है, दोनों का इलाज एक निजी नर्सिंग होम में चल रहा है। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण है। वहीं नगर थाने के पुलिस तफ्तीश में जुट गई। तो आप काहे गोली चला? पता नहीं, लड़ाई दोनों में लड़ाई लग गए, मुक्का मुक्की शुरू कर लगे। हमें जा रही है साहेब भीतर में बैठे रहते थे, हमारा कल कहीं जाओ जाओ बाहर, तो जो है हम दरमियान में गोली चला लगे। हमें गलिए छोड़िए, तब हम देखलिए गोली चलवा लगे, तो हम भाग गए, भाग लिए पीछा, हम गोली ले गए। हम क्या लोग मतलब काफ़ी देर तक वहाँ पर मारपीट हो रहा था? हाँ, काफ़ी देर तो बैठे के मारपीट शुरू। किसके किसके बीच में? देखिए यहाँ बात है, हम गए बराबर से समझे कि क्या बात है क्या नहीं, तो कहे कि हमको कुछ नहीं मालूम है, तो औतने में गोली चला दिया। कौन लोग थी? दो आपस में? ना आपस में नहीं, वो थी हो रहा था टेंडर वाला, वही उसी में हुआ। तो पहचान हुई थी? ना पहचान कहाँ हुआ। कितने कितना संख्या में था? संख्या था हमारा भैया 10-15-20 किलो। सभी के पास हथियार था? हथियार कितना लोग घायल हुआ था?